السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على والنصح لكل مسلم رواه البخاري. अभी आपके सामने बुखारी शरीफ की एक रवायत पढ़ी गई है हदीस के रावी मशहूर सहाबी सदना जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तहो हैं वो कहते हैं कि बायातन नबी सल्लम क़ौला कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बायत की है नमाज़ को कायम करने पर यानी पैमान लिया है कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा देखिए बेत क्या है आदमी हाथ पर हाथ रख करके वादा करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़िंदा थे साहब अकराम नबी से बैत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते थे और ये बैत जायज़ अम्बिया से बैत करना जायज़ बल्कि ईमान और महबत रसूल का एक हिस्सा है अम्बिया के बाद जो सियासी लोग हो, हुक्मरान हो उनसे बेत जायज़ है उसके अलावा तीसरी बैत का इस्लाम में कोई तस्वर नहीं तो हैत जरीर इबिन तहते कि मैंने नमाज कायम करने पर बैत की मैंने नमाज की अहमियत नमाज का मकाम कि दीन और शरीयत में इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है और नमाज का क्या मकाम है कि बेत कर रहे हैं नमाज़ कायम करने पर तो हमारी ज़िंदगी में नमाज होना चाहिए नमाज की पाबंदी होनी चाहिए नमाज को बिल्कुल अखलास के साथ खुशु व के साथ अदा करना चाहिए उसके अरकान के साथ और वक्त की पाबंदी और जमात की पाबंदी के साथ नमाज को कायम करना चाहिए नमाज है तो ज़िंदगी नमाज है तो ज़िंदगी वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं जिसमें नमाज ना हो और अफ़सोस है कि हम ऐसे समाज में और ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ बेनमाज़ी ज़्यादा है जहाँ बेनमाज़ी आम है किसी मुसलमान से कहो नमाज पढ़ने के लिए तो कहता है कि जाओ मैं नमाज नमाज पढ़ लो मैं नापाक हूँ बताइए आज मुसलमानों की ये कंडीशन है अक्सर मुसलमान और अक्सर नौजवान इसी हालत पर जिंदगी गुजार रहे नमाज नहीं पढ़ते उनसे कहा जाए नमाज़ पढ़ो तो कहेंगे तुम नमाज पढ़ लो जाओ मैं नापाक हूँ तो गुस्ल कर लो नमाज पढ़ो नमाज की हमारे शरीयत में हमारे दीन में बहुत ऊंचा मकाम है तोहिद और ईमान कबूल करने के बाद सबसे म तालीम और सबसे बड़ी तालीम यही नमाज है। और यही नमाज तो है तो उसके लिए हमारे पास है क्या जिस इबादत को हमें हर हाल में अदा करना है नमाज ऐसी इबादत है जिसे हर हाल में हर सूरत में हमें अदा करना है बीमार हो सफ़र में हो जंग के मैदान में हो कमज़ोर हो गरीब हो बूढ़े हो बीमार हो हर हालत में नमाज पढ़ना है नमाज माफ नहीं है तो ने तयत की अल्लाह के नबी वसल्लम से नमाज की पाबंदी करने पर जक़ात और नंबर दो जक़ात अदा करने ज़क़ात की बड़ी अहमियत है इस्लाम ये कहता है कमाओ मेहनत करो तजारत करो बिजनेस करो और पैसा कमा कर अल्लाह ने जो रोज़ी दी है जो माल दिया है जो दौलत दी है उसे खर्च करो उसकी जक़ात निकालो ढाई फ़ीसद ज़कवात बनती है माल में अमवाल में ढाई फ़ीसद ज़कवात बनती है साल में एक मरत निकालना रहता है और खेती वगैरह की अगर जक़ात है तो वो जितनी फसल काटेंगे उतनी ही जक़ात देंगे यानी जब जब फ़सल काटेंगे तब उसमें से दसवां या बीसवा हिस्सा जक़ात निकालेंगे और तो तफसील है कि अगर बारिश के पानी से अनाज पैदा हुआ है तो दसवां हिस्सा है और अगर पानी ख़रीद करके लाए हैं सिंचाई किए हैं मेहनत किए हैं उस पर पैसा लगा है वक्त दिए हैं तो ऐसी सूरत में बीसवा हिस्सा ज़क़़़त है अनाज में बहरहाल ज़क़़़़़त देना बहुत ही अहम हुक्म है नमाज़ के बाद अगर कोई अहम तालीम है तो ज़क़़त देना है और ज़क़़़़़त देना है तो ज़ाहिर है कि उसके लिए माल कमाना पड़ेगा तो हमारी शरीयत सिर्फ ये नहीं कहती ज़क़ात दो बल्कि हमारी शरीयत ये भी कहती है कि माल कमाओ मालदार बनो मालदार बनना इस्लाम में मायूब नहीं है गलत नहीं है मालदार बनना है और मालदार बन करके के अपने माल और अपने अखलाक और अपने ईमान की हिफाजत करना है ज़क़ात देना है सदक़ा तो खैरात निकालना है डोनेशन देना है ग़रीबों की मदद करना है तो माल होना चाहिए दूसरी चीज़ जिस पर जिस जिसकी जिस बुनियाद पर बैत की वो नमाज़ और ज़क़़़़त की पाबंदी है ज़क़़त अदा करना है वन नुस्क मुसलिम व मुस्लिम। हर मुसलमान के साथ खैर खाही करना हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर मैंने बेत की ये अल्लाह रही तहते हैं मुसलमानों के साथ खैर खाही होना चाहिए आज बदखवाही चल रही है हम किसी की नेमत किसी की तरक्की और किसी की दौलत को देख करके जलते हैं हसद करते हैं नफरत करते हैं नाराज़ होते हैं गु़स्सा करते हैं ये इस्लाम नहीं है ये मुसलमान का अखलाक नहीं है हर मुसलमान के साथ खैर खाए भला चाहना अच्छा चाहना किसी को नुकसान नहीं मुसलमान को नुकसान नहीं है मुसलमान को बुरा भला नहीं करना मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देना मुसलमान को धोखा नहीं देना इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों को तकलीफ़ दे सकते हैं बिल्कुल नहीं किसी को भी धोखा दो, नहीं देना किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना किसी को तकलीफ़ नहीं देना लेकिन ख़ास तालीम ये दी जा रही है मुसलमान के साथ ये काम नहीं होना मुसलमान के साथ खैर खाई होना चाहिए मुसलमान है उसकी इज्जत उसकी कदर उसका एहतराम बजा लाना है उसको फरार नहीं करना है धोखा नहीं देना है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है उसको तकलीफ़ नहीं देना है इन बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हदीस ने बद की है ये तीन अहम तालीम है जो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए नंबर एक नमाज़ की पाबंदी नंबर दो ज़क़़त की पाबंदी और नंबर तीन आम मुसलमानों के साथ सारे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक अच्छा व्यवहार अच्छे अखलाक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना किसी को धोखा नहीं देना الله تعالى ذو جعل تعالى حمسبكوا عفوا سبكون ليكمر التوفيق قدا فرمى والدنيا مجبته जिंदा ركيه العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته